TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. कुमकुम भाग्य मेरी बात नहीं है, बात मिस्टर सिंह की है। इन्होंने खुद मिस्टर सिंह को इनवाइट किया था ना। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, कम से कम डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करना चाहिए। अभी नहीं, तू सुन रहा है ना वो क्या कह रही है? अब तुम्हें मैं उससे बात करके रहूंगा। मुझे एक फोन कॉल करना था, अभी तक मेरे दिमाग से ही निकल गया। I'm so sorry, ma'am. One, two, one. एक सेल्फी खिंचवाकर खुद को हीरो समझ रहे हो? काम पर ध्यान दो अपने, पूरा ड्रेस खराब कर दिया। इडियट। हेलो, यहाँ बहुत शोर है, एक सेकंड। क्या, can you hear me? भाई मैं कह रहा हूँ कि हम पार्टी में आ सकते हैं क्या? तरुण, तुम लैंडलाइन से फोन क्यों कर रहे हो? Where's your phone? भाई मैं ये कर नहीं रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मत करना। क्या मत करना? मेरा फोन। तो आज तुम उसकी पकड़ में आए हो। क्या रहा तुम्हें फोर्स कर रही है, राइट? पार्टी में आने के लिए। एग्जैक्टली भाई, पहले वो जिद कर रही थी उसे उसके सुपरमैन की पार्टी में जाना है, और अब प्रज्ञा दी को सरप्राइज देने की बात कर रही। लेकिन तरुण, यहाँ पार्टी में कोई बच्चे नहीं है। कोई बच्चा नहीं है पार्टी में। छोड़ो, आपको तो बात ही निकल लेती। टाटा, आप अपने प्रिंसेस को मना कर रहे हो। नो प्रिंसेस, मेरा कभी ऐसे कर सकते है। तुम पार्टी में आ सकती हो, लेकिन एक शर्त है। अकेली नहीं आओगी, गेट तरुण चाचू विद यू। ये टाटा ने हम बोल दिया, मैं आपके साथ पार्टी में जा सकती हूँ। हाँ भाई। तरुण, बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। भाई आप मुझे कुछ और बोल रहे हो, बच्चों को कुछ और बोल रहे हो। तरुण, तुम चाचू हो, चाचू बनना सीख लो। कल को तुम्हारी शादी होगी तो ट्रेनिंग काम आएगी माय फ्रेंड। बच्चों को बहलाओ, लेकिन पार्टी में मत ला। दिस इज माय ऑर्डर। मेरे ऑर्डर्स और बच्चों का ध्यान दोनों नहीं टूटना चाहिए, अंडरस्टैंड? लेकिन भाई, हैव अ गुड इवनिंग तरुण। बच्चों से ज्यादा तो भाई बदमाश निकले। बदतमीजी, तुम्हें मेरी बदतमीजी से प्रॉब्लम है ना, तो मुझे तुम्हारी बेशर्मी से प्रॉब्लम है। तो जाने को ना कहूं ना, यहां से हिलना भी मत। यू नीड टू आंसर मी, क्यों कर रही हो तुम ये सब? कौन सा बदला ले रही हो तुम? बात छोड़िए मेरा। मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। क्या जवाब दूं? क्या कर रही हो तुम? मुझसे मेरी यादें छीन रही हो। अब क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वानी जी मेरे सामने किंग के साथ नाचकर मुझे दिखा रही थी, और अब मेरे सामने तुम नखरी दिखा रही हो? ऐसे क्या दिख रही हो तुम? बोलो, डांस करी थी ना उसके साथ? कर रही थी। तो? तो कुछ नहीं, मैं अपने पति के साथ डांस कर रही थी। तो क्या हो गया? तुम उसके साथ वैसे ही डांस कर रही थी जैसे मेरे साथ कर रही थी।
वही स्टेप्स, वही मूव्स, देखने का तरीका, हाथ पकड़ने का तरीका, सब कुछ वैसा ही। जो सारे डांस मूवमेंट्स हमारे बीच में थे तुम उसके साथ शेयर करी। तुमने दूसरी शादी की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें मुझसे मेरी यादें छीनने नहीं दूंगा। हमारा रिश्ता अलग था, उसमें एक खासियत थी, एक मासूमियत थी। उस रिश्ते की पहचान तुम किसी और को नहीं दे सकती हो। वो यादें मेरी है, उन पर सिर्फ मेरा हक है। यादें मेरी भी है ना, जितना आपका हक है उतना मेरा ही है। मैं अपने हिस्से की यादों के साथ क्या करती हूँ क्या नहीं, ये आप मुझे नहीं बता सकते। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता तुम अपने पर्सनल लाइफ में, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन ये सब मत करो। वो सब जो तुमने मेरे साथ किया उसे मेरे सामने किसी और के साथ मत करो, फिर चाहे वो हाथ पकड़ना हो या डांस करना। आप मुझे मेरी जिंदगी आपके तरीके से जीने के लिए कह रहे हैं? आपके साथ थी तब आपके तरीके से जी रही थी ना मैं, आपने तो निकाल दिया मुझे अपनी जिंदगी से। अब मैं किस रास्ते पर कैसे चल रही हूँ ये आप मुझे नहीं बता सकते। यादों पर आपका हक है, मुझ पर नहीं। तैयार हो रही हो अपनी सौतन के लिए? परेशान लग रही हो प्रज्ञा? नहीं मैं ठीक हूँ, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। नो, तुम कुछ तो छुपा रही हो। तुम नहीं जानते तुम क्या करने वाले हो। तुम झूमर की रस्सी नहीं, अभी और प्रज्ञा के बीच की डोर काटने वाले हो। अब होगा मेरा बदला पूरा। ये है वो बॉम्ब जिसे मैंने उस गिल्ली डंडा प्लेयर के पास भेजा है। मैं नहीं जा सकता ना, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हम दोनों यहाँ रहना, हम दोनों की जान खतरे में। सर अग्रज खिड़की से भाग गया। I'm sure, वो वहीं गया होगा जहां उसने मुझे दफनाया था। नरेन, अब नेक्स्ट स्टेप लेने का समय आ गया है। आप राहुल के रूम में जाइए, मैं तब तक अंगराज के पास जाती हूँ। अपना ख्याल रखना मेरे लिए। हे, अरे आप शकुनी औरत, हमसे क्या पाप करवाओगी? इस पवित्र पूजा स्थल पर अगर विधवा का साया भी पड़ गया तो घोर अनर्थ होगा। अरे जो औरत दो दो पतियों को खा गई हो उसके हाथ से मंगल होगा? अरे तू जैसी कलंकनी औरत को तो घर में स्थान नहीं दिया जाता, उसे शहर से बाहर भेज देते, विधवा आश्रम में उसके बाल काट दिए जाते हैं। नहीं है मूर्ति। वो टिंगरे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पर कौन कर सकता है ये काम? ये बोल कहाँ है मूर्ति? अंकल जी आप मेरी बात सुनिए। मैं कबीर अहमद बड़े परेशान दिख रहे हैं, लगता है उसे कोई पैसा नहीं दे रहा। तुम्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं है कबीर कि तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अब आगे आगे देखो हम क्या करते हैं, बड़ा मजा आएगा।